काफी हद तक तस्वीर साफ हो चुकी है और ये कहा जा सकता है कि यूपी की जनता ने यह मान लिया है कि यूपी के लिए योगी ही उपयोगी साबित होंगे और दोबारा से योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। 403 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है और अभी तक भाजपा ने 264 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई बरकरार रखी है। वहीं समाजवादी पार्टी जो कहा जा रहा था कि उसको एक मजबूत टक्कर देगी वो 123 सीटों तक ही सीमित रह गई है, अभी तक आगे है, जबकि बसपा अभी तक 10 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। 6 ही सीट पर बसपा अभी आगे चल रही है जबकि 264 सीटों पर भाजपा अभी बरकरार है। पट्टी से सपा के राम सिंह पटेल अभी फिलहाल आगे हैं, रामपुर खास के आराधना मिश्रा मोना भी आगे हैं और बस्ती के रुदौली में सपा के राजेंद्र चौधरी आगे हैं। बता दें कि राजेंद्र चौधरी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं, वो अभी आगे माने जा रहे हैं। रामपुर खास से आराधना मिश्रा मोना भी आगे हैं। आपको बता दें कि बस्ती के रुदौली में सपा के राजेंद्र चौधरी अभी आगे। मैं आपको बता दें कि बस भाजपा एक बार फिर से सरकार बनाने की दिशा की ओर बढ़ रही है और जल्द ही इसके फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे। आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक जो ईडी के प्रमुख थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था और भाजपा के टिकट से चुनाव लड़े थे, उनके सामने थे सपा के मिश्र थे अभिषेक मिश्र जो अखिलेश यादव के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं और ब्रजेश पाठक उनसे आगे चल रहे हैं। वहीं सुरेंद्र सिंह गांधी सपा के टिकट पर लड़े हैं और वो अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा से बीजेपी के लाल बहादुर आगे, नजीबाबाद से सपा के तस्लीम अहमद और आगे चल रही हैं, पीलीभीत से सपा प्रत्याशी शैलेंद्र गंगवार आगे चल रहे हैं, बरखेड़ा से भाजपा प्रत्याशी स्वामी प्रवक्तानंद आगे आगे चल रहे हैं, सरोजनी नगर विधानसभा से सपा के अभिषेक मिश्रा फिलहाल अभी आगे हो गए हैं। आपको बता दें कि पूर्वी विधानसभा से भाजपा के आशुतोष टंडन जो भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे, लालजी टंडन के बेटे हैं, वो अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। लखनऊ की पूर्वी विधानसभा सीट से वो उतरे हैं। देवबंद से बीजेपी के ब्रजेश सिंह आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि देवबंद जो एक मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है और वहां पे तकरीबन सबसे अधिक देखा जाए तो मुस्लिम तादाद बहुत ज्यादा है और वहां से बीजेपी के ब्रजेश सिंह आगे चल रहे हैं। इस समय कन्नौज सदर से बीजेपी प्रत्याशी असीम अरुण आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के जो प्रत्याशी असीम अरुण ये पुलिस में थे और इन्होंने इस्तीफा दे करके बीजेपी ज्वाइन किया और अभी वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर विधानसभा से सपा की पूजा शुक्ला आगे चल रही हैं। पूजा शुक्ला काफी चर्चा में आई थी लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब योगी आदित्यनाथ सीएम के तौर पर गए थे तो उनको काला झंडा दिखाया था और समाजवादी पार्टी की युवा नेता मानी जा रही हैं, वो अभी फिलहाल लखनऊ की सीट से अभी आगे चल रही हैं। मतगणना शुरू हो गई है, कानून व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर फोर्स लगा दिया गया है। वहीं बात की जाए जो है जो चार विधानसभाएं हैं, चार विधानसभाओं की चारों विधानसभाओं पर जो है समाजवादी पार्टी जो है कब्जा बनाए हुए है। अब देखना ये होगा शाम तक के निर्णय क्या होंगे। लाइव टुडे के लिए नफी सलीम मैनपुरी। इस समय हम जनपद मैनपुरी के नमीन मंडी स्थल पर मौजूद हैं जहां सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो गई है, कानून व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर फोर्स लगा दिया गया है। वहीं बात की जाए जो है जो चार विधानसभाएं हैं, चार विधानसभाओं की चारों विधानसभाओं पर जो है समाजवादी पार्टी जो है कब्जा बनाए हुए है। अब देखना ये होगा शाम तक के निर्णय क्या होंगे। लाइव टुडे के लिए
वहीं आपको बता दें कि ताजा अपडेट हमारे सामने आ चुके हैं गोरखपुर, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव लड़ रहे थे। उस सीट पर, गोरखपुर की सदर सीट पर, 9 चरण की मतगणना के उपरांत 322 गोरखपुर शहर के विधानसभा से प्राप्त मतों का विवरण आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ 47,827 वोटों से आगे चल रहे हैं। वही सुभावती उपेंद्र दत्त शुक्ला, जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी, वो अभी उनसे 16,427 वोट ही प्राप्त कर पाई हैं अभी तक। वही ख्वाजा शमसुद्दीन, अन्य का बता दें आपको कि ख्वाजा शमसुद्दीन 3,151 वोट ही अपने दर्ज करा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ सबसे आपको प्रमुख बता दें कि 47,827 वोट से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि वही इटावा की बात करें, जो सपा का गढ़ माना जाता है, वहां पर जसवंत नगर से, जहां से शिवपाल सिंह यादव चुनाव मैदान में थे, वो अभी 30,435 वोटों से सबसे आगे चल रहे हैं। वही विधानसभा इटावा सदर की बात करें तो कुलदीप गुप्ता, जो बसपा से प्रत्याशी हैं, वो 10,692 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो वहीं भाजपा के सरिता भदौरिया 17,765 वोटों से सबसे आगे चल रहे हैं। उनसे भी आगे अगर बात करें तो सर्वेश कुमार शाक्य, समाजवादी पार्टी के सर्वेश कुमार शाक्य 23,031 वोटों से सबसे आगे चल रहे हैं। ये माना जा रहा है कि इटावा में समाजवादी पार्टी जो अपना गढ़ है, वो अपना किला बचाने को लगभग तैयार है। वहां पर इटावा में अपनी समाजवादी पार्टी ने साख बचा ली है। वहीं बसपा की बात करें तो विधानसभा भर्थना की बात करें इटावा की, तो बसपा के कमलेश अम्बेडकर, जिनको सिर्फ 4,964 वोट अभी तक मिले हैं। वहीं भाजपा के डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर की बात करें तो 20,779, जबकि समाजवादी पार्टी के राघवेंद्र कुमार सिंह 24,262 वोटों के साथ बने हुए हैं सबसे आगे। इटावा की बात करें तो इटावा की तीनों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी सबसे आगे चल रही है। आपको बता दें कि इटावा की जसवंत नगर सीट से खुद शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह के छोटे भाई, और माना जा रहा था कि शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के चाचा कहे जाने वाले चाचा, 30,435 वोटों से सबसे आगे चल रहे। इटावा की तीनों विधानसभा सीटों पर सपा अपना परचम लहरा रही है। ये माना जा रहा है कि सपा ने अपना गढ़ बचा लिया है, लेकिन अन्य सीटों पर सपा भाजपा से काफी पीछे है। वहीं अगर फिरोजाबाद सीट की बात करें तो फिरोजा छठवा चक्र, जो शिकोहाबाद सीट है वहां की, फिरोजाबाद की, वहां पर ओम प्रकाश वर्मा 21,985 वोटों से अभी तक हासिल कर पाए हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के डॉक्टर मुकेश वर्मा 24,834 वोटों से सबसे आगे चल रहे हैं। सपा के मुकेश वर्मा 2,849 वोटों से अभी आगे चल रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी से। तो वहीं फतेहपुर की बात करें तो खागा विधानसभा का पांचवा राउंड, भाजपा प्रत्याशी कृष्ण पासवान 3,843 वोट से, सपा प्रत्याशी राम परमहंस तीरथ से आगे चल रहे हैं। वहीं अगर इटावा चक्र संख्या 7 की बात करें तो कुल विधानसभा जसवंत नगर में आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव 30,435 वोटों से अभी तक हासिल कर पाए हैं और सबसे आगे चल रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सर्वेश कुमार शाह के 23,031 वोट अभी तक प्राप्त कर चुके हैं और सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं अगर मैनपुरी की बात करें, समाजवादी पार्टी का गढ़ मैनपुरी में क्या चल रहा है, आपको बता दें कि मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश यादव खुद इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो अगर बात करें कि मैनपुरी की मतगणना परिणाम अभी तक क्या आया है, तो वहां पर मैनपुरी में भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार यादव से 3,067 वोट अभी आगे चल रहे हैं। वहीं अगर सेवापुरी सीट की बात करें तो 6 चक्र के बाद नील रतन सिंह बीजेपी के 21,037 वोट अभी पा चुके हैं।
वहीं अगर वाराणसी की बात करें, बनारस की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां के संसदीय क्षेत्र है उनका, वहां पर क्या हाल है? आपको बता दें कि शहरी उत्तरी में रविंद्र जायसवाल बीजेपी के जो हैं उनको 15,336 वोट अभी तक उनके उतरे हैं, और वही अशफाक समाजवादी पार्टी के सिर्फ 5,183 वोट अभी तक हासिल कर पाए हैं, जबकि बीजेपी के रविंद्र जायसवाल 15,300। मेरठ उनसे बात करते हैं सर, किस तरीके से इस बार व्यवस्था की गई, क्योंकि पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, दो जगह इस बार मतगणना होनी है। पहले भी पुलिस मतगणना कराती रही है, तो दो जगह है, ये बात तो सच है, थोड़ा दूरी ज्यादा है, परंतु हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल है और प्रॉपर लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, इसके लिए ब्रीफ किया गया, अलग से क्यूआरटीज भी हमारी बनाई गई है, जो प्रत्याशी है कैंडिडेट्स उनसे भी वार्ता की जा चुकी है, ताकि कोई भी स्थिति आए ही ना, अगर ऐसा कुछ आता है तो हम सख्ती से निपटने के लिए तैयार हैं उससे। अलग अलग देहात में भी, सिटी में भी, पॉकेट्स में भी हम लोगों ने क्यूआरटीज अपनी लगा रखी है, कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं आएगी। ये भी बताया गया कि कोई विजयी जुलूस या कुछ इस तरह का चीजें नहीं रहेगा, अगर कोई कोशिश करता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ। कितनी पुलिस फोर्सेस बाहर लगाई है और सीसीटीवी कैमरा से भी क्या निगरानी रखी जा रही है? जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पुलिस के पास अपने कैमरे भी हैं अलग से, और पैरामिलिट्री फोर्स भी हमारे पास है, और पूरे जनपद की पुलिस आज के चुनाव प्रक्रिया में लगी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे SSP प्रभाकर चौधरी, जिसका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो मेरठ में मतगणना होनी है वो दो जगह जरूर होनी है, पुलिस के लिए चुनौती भी है, लेकिन पुलिस इस चुनौती में कामयाब होगी और फिर जो मतगणना है उसको भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। मेरठ से प्रतिनिधि अंकुश के साथ लोकेश टंडन, लाइव टुडे। नफी सलीम, मैनपुरी। इस समय हम जनपद मैनपुरी के नवीन मंडी स्थल पर मौजूद हैं, जहां सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो गई है। कानून व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर फोर्स लगा दिया गया है। वहीं बात की जाए जो है, जो चार विधानसभा हैं, चारों विधानसभाओं पर जो है समाजवादी पार्टी जो है कब्जा बनाए हुए है। अब देखना ये होगा शाम तक के निर्णय क्या होंगे। लाइव टुडे के लिए नफी सलीम, मैनपुरी। इस समय हम प्रयागराज में मतगणना की शुरुआत हो गई है सुबह 8 बजे से, और अगर हम अभी की बात करें तो अभी 12 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो अधिकतर सीटों में आगे चल रहे हैं। अगर हम शहर पश्चिमी की बात करें तो सिद्धार्थनाथ सिंह आगे चल रहे हैं, अगर हम उत्तरी की बात करें तो हर्षवर्धन वाजपेयी जो हैं वो आगे चल रहे हैं, अगर हम कुराओं की बात करें तो राजमणि जुकोल हैं वो भी आगे चल रहे हैं। कई प्रत्याशी जो हैं वो फाइट भी दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो प्रतापपुर से आगे चल रहे हैं समाजवादी पार्टी की विजमा यादव आगे चल रही हैं, हंडिया से हाकिम लाल बिंद जो हैं वो आगे चल रहे हैं, अगर हम करछना की बात करें तो उज्ज्वल रमण सिंह जो हैं वो आगे चल रहे हैं। हालांकि ये अभी शुरुआती दौर है, शुरुआती राउंड जो है उसके हिसाब से है। अगर हम धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे जो है ये साफ होता रहेगा कि आखिर 12 विधानसभा सीटों में किस प्रत्याशी को जीत मिलती है। तकरीबन 27 से लेकर के 34 जो राउंड है वो होने हैं। हम मौजूद हैं मुंडेरा मंडी में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि CRPF के जवान हैं, CISF के जवान जो हैं वो यहाँ पर हैं, जगह जगह पर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगाई गई हैं, स्थानीय पुलिस जो है वो भी यहाँ पर है, और वज्र वाहन जो है वो भी यहाँ पर लगाया गया है, कोई आपातकालीन स्थिति ना हो उसके लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फायर सर्विस भी की गाड़ी जो है वो भी यहाँ पर लगाई गई है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 में 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थन जो दल है उन्होंने जीत दर्ज की थी, जबकि 2 सीटों पर बसपा और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत जो है वो दर्ज की थी। हालांकि 2022 में समीकरण क्या रहने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो अभी ज़्यादातर सीटों में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रजा, प्रयागराज। तो आपको बता दें कि इसी तरीके से हमारे संवाददाता अपनी नज़र बनाए हैं चप्पे चप्पे विधानसभा सीटों पर, और आपको हम तक सीधे हमें जानकारी पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय भाजपा काफ़ी मजबूत स्थिति में नज़र आ रही है, और ऐसा माना जा सकता है कि यूपी की जनता ने स्वीकार कर लिया है कि योगी आदित्यनाथ ही यूपी के लिए उपयोगी साबित हैं। उन्हें
तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव काफी इस बार उन्होंने दावा किया था कि 300 से 400 सीटें उनकी गठबंधन जो है वो जीतेगा। उन्होंने कई सामाजिक गठजोड़ किए थे, कई छोटे दलों को अपने साथ लिया था, लेकिन उनका ये फॉर्मूला भी इस बार फेल होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि 264 सीटों पर अभी भाजपा बढ़त बनाए हुए है और बसपा जो खेल में ही नजर नहीं आ रही थी वो आज परिणाम में भी नजर नहीं आ रही है। सिर्फ 7 सीटें ही अभी तक जीत पाई है, 10 सीटों का भी आंकड़ा वो नहीं छुपाई है, दोहरा आंकड़ा भी वो नहीं छुपाई है। वही अन्य के खातों में सिर्फ 7 सीटें आई हैं, जिसमें से कुछ सीटें कांग्रेस की भी है। हालांकि कांग्रेस ने इस बार काफ़ी मेहनत की थी, प्रियंका गांधी को उतारा था, महिलाओं को साधने की कोशिश की गई थी, तमाम वादे किए गए थे, लेकिन कांग्रेस भी अपनी साख बचाने में नाकामयाब हुई है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी 125 सीटों पर फिलहाल अभी आगे चल रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 264 सीटों के साथ अभी बरकरार है। और आपको बता दें कि लगभग अगर भाजपा कार्यालय के बाहर जाएं तो वहां आपको दिखाई देगा कि इस समय जश्न का माहौल है, लोग नाच रहे हैं, ढोल नगाड़े लेकर पहुंचे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं। और हालांकि उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि कई दिन पहले कुछ दो तीन एग्जिट पोल आने के बाद ही लड्डू के ऑर्डर दे दिए गए थे और तब से ही खुशी मनाई जा रही थी। एग्जिट पोल के जो नतीजे थे और आज जो फाइनल नतीजे आ रहे हैं उनमें कहा जा सकता है कि ज़्यादा अंतर नहीं है। हालांकि अभी भी जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो अभी तक कभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन काफ़ी हद तक तस्वीर साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी 125 सीटों पर अभी आगे है। हो सकता है ये भी आंकड़ा बढ़ जाए। विपक्ष मजबूत हुआ है ये जरूर माना जाएगा। समाजवादी पार्टी जो पिछली बार कांग्रेस से गठबंधन किया था और सिर्फ 47 सीटों तक ही सीमित रह गई थी, वो अभी 13 आंकड़ा छू चुकी है। कहा जा रहा है कि कम से कम वो सैकड़ा तो पार करेगी ही, और कहा जा रहा था कि भाजपा को वो टक्कर देगी। हालांकि ये भी एक बात बता दें कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 300 से प्लस सीटें जीती थी और प्रचंड बहुमत थी और ये रिकॉर्ड था, लेकिन इस बार सीटें काफ़ी कम हुई हैं, जो ये दर्शाता है कि जनता में नाराज़गी है, लेकिन अधिकतर जनता जो है वो भाजपा के साथ है। अभी भी जो भाजपा का जो भरोसा था वो अभी भी बरकरार है। काफ़ी मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में उतरी थी, चाहे वो बेरोजगारी हो या किसान का अपना मुद्दा हो, छुट्टा सांड हो या तमाम परेशानियां हो, महंगाई हो, उनको लेकर के समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में उतरी थी। तो वही भाजपा अपनी सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा और तमाम माफियाओं पे बुलडोजर चढ़ाने की बात कर रही थी। उसकी तरफ से डायरेक्ट बार बार ये अटैक किया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी एक आतंकवाद को सपोर्ट करती है, या तमाम जो उसका जो हिंदुत्व जो उसका एक कह सकते हैं कि उसका एक टॉपिक है जिस पर अभी कहा जा सकता है कि राम मंदिर बन रहा है, उस पर भी उसका एक फ़ायदा भाजपा को सीधा सीधा मिलता दिखाई दे रहा है। उसका जो एक हिंदुत्व वाला एक वोटर होता है वो भी उसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। महंगाई और बेरोजगारी जो तमाम जो दिक्कतें हैं वो अभी भी बरकरार है, लेकिन चुनाव में उसका फैसला नहीं हुआ है। कह सकते हैं कि वो मुद्दे थोड़े कमज़ोर ज़रूर पड़े हैं, लेकिन वो मुद्दे रहेंगे। लेकिन भाजपा ने ये वादा किया था कि जो छुट्टा सांड की जैसे कि दिक्कत है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये ऐलान किया था कि जब वो दोबारा सरकार में आएंगे तो उस परेशानियों को भी हल करेंगे। और जो बेरोजगारी जो पनपी है पिछले कुछ सालों में, और आपको बता दें कि सरकारी जो अधिकारी थे उनमें लेकर के एक ओल्ड पेंशन लेकर के एक स्कीम को लेकर के काफ़ी समर्थन जुटाने की कोशिश की थी समाजवादी पार्टी ने, लेकिन वो भी अभी तक सफल होती नज़र नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी ने कई गठजोड़ ज़रूर किए थे, कई गैर यादव वोटरों को भी अपनी तरफ खींचने की तरफ कोशिश की थी। मौर्य समाज के स्वामी प्रसाद मौर्य जो योगी सरकार की कैबिनेट मंत्री थे उनको वहां से समाजवादी पार्टी में शामिल कराया, लेकिन मौर्य समाज का वोटर अभी भी केशव प्रसाद मौर्य के पीछे गया है। ये कहा जा सकता है कि गैर यादव जो वोट थे उनको कंसोलिडेट, उनको अपनी तरफ रिझाने में समाजवादी पार्टी नाकाम हुई है। हालांकि ये माना जा रहा था कि मुस्लिम और यादव इस बार एक लामबंद होकर के समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो बसपा का एक दलित हार्डकोर दलित वोटर है वो भी कहीं ना कहीं छिटका ज़रूर है।
उसमें भी आप देखेंगे कि कमी जरूर आएगी। जो 22 से 23% जो बसपा का एक वोट प्रतिशत होता है हर बार आता है, वो कहीं ना कहीं छिटका है और छिटक करके कुछ भाजपा को गया है और कुछ सपा को भी गया होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की जो आप कह सकते हैं कि जो योजना थी राशन वितरण की योजना, वो काफ़ी गरीब लोगों को उसका काफ़ी लाभ मिला और वो कहीं ना कहीं जो लाभार्थियों की एक पूरी जमात तैयार की थी भाजपा ने, वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि वो फायदा आज उसको मिलता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा दोबारा से पार्टी अपनी सत्ता में वापस आ रही है। और ये भी एक आपको बता दें कि 31 साल के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी दोबारा से सत्ता में यूपी में सरकार बनाने जा रही है। पिछले कई सालों का अगर आप आंकड़ा उठा के देखें तो हर बार एक सत्ता में परिवर्तन हुआ है। कई बार बसपा ने सरकार बनाई है तो कई बार भाजपा ने बनाई है और कई बार समाजवादी पार्टी भी सरकार बनाई है, लेकिन इस बार ये पहली बार हो रहा है कि 2017 भाजपा ने प्रचंड बहुमत से जीता और 2022 का जो चुनाव है वो भी भाजपा कहीं ना कहीं आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। और तमाम जानकारी हम आपको यहाँ पर आपको ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। आपको बता दें कि अभी फिलहाल मतगणना अभी जारी है और तमाम सीटों को लेकर के अभी भी काफ़ी क्लोज कह सकते हैं कि कॉन्टेस्ट है, काफ़ी कड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कम अंतरों के वोटरों से हार जीत का फैसला हो रहा है। इस बीच मलिहाबाद से 9 राउंड में आपको बता दें कि मलिहाबाद सीट से, लखनऊ की मलिहाबाद सीट से भाजपा अभी 7,287 वोटों से आगे चल रही है, तो वही उत्तर प्रदेश की देवरिया से शलभमणि त्रिपाठी 19,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के आपको बता दें प्रत्याशी हैं शलभमणि त्रिपाठी, देवरिया से खड़े हैं और अभी 19,000 सीटों से वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। वहीं अगर बाकी प्रदेशों की बात की जाए तो उत्तराखंड में माना जा रहा था कि इस बार एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन भाजपा वहां पर दोबारा अपनी सरकार बनाती दिखाई दे रही। हालांकि कांग्रेस ने उसको एक कड़ा मुकाबला जरूर दिया, आम आदमी पार्टी भी मैदान में थी, उसने अपना एक सीएम कैंडिडेट भी घोषणा की थी, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कुछ खास करके नहीं दिखा रही है। तो वही आम आदमी पार्टी के लिए बात करी जाए तो पंजाब की तरफ देखिए, पंजाब क्लीन स्वीप कर रही है, उसने कांग्रेस को क्लीन स्वीप किया है और भगवंत मान जो उनके सीएम कैंडिडेट थे उनको कहा जा सकता है कि अब वो सीएम बनने के लिए कुछ ही कदमों की दूरी पर है और कांग्रेस पूरा सफाया हो गया। उसने अभी हाल ही में पिछले साल ही उसने अपने मुख्यमंत्री को हटाया था और एक दलित चेहरे को चन्नी के रूप में वो लेकर के आई थी और वो कोशिश थी कि उस पंजाब के जो दलित वोटर हैं उनको रिझाया जा सके, लेकिन कांग्रेस की ये नीति भी फेल होती सामने साफ दिखाई दे रही है। वहीं अगर गोवा की बात करें, अगर मणिपुर की बात करें तो भाजपा ने वहाँ भी अपना परचम बरकरार रखा है। अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें ये कहा जा सकता है कि यूपी और उत्तराखंड में भाजपा बरकरार है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को साफ कर दिया है। तमाम जो पार्टी कार्यालय हैं उनके बाहर जश्न का माहौल देखा जा सकता है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, तो वही जो पार्टियां हार रही हैं या जो पीछे चल रही हैं वहाँ पे कार्यकर्ता इकट्ठा ज़रूर हुए हैं, लेकिन वहाँ पे एक शांति का एक माहौल है। आपको हम बताते रहेंगे, तमाम जो ताज़ा अपडेट है वो हम आपको दे रहे हैं। हमारे संवाददाता, हमारे तमाम सहयोगी इस समय मैदान पर है, ग्राउंड जीरो से हमारे लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ताज़ा जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं और वही जानकारी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से चुनावी माहौल जो पिछले कई महीनों से ये पूरा एक चलता रहा उसका क्या आज परिणाम हो रहा है। कई 5 साल के लिए सरकार अब बनने जा रही है, कहा जा सकता है कि भाजपा यूपी में तकरीबन अपनी जीत दर्ज कर चुकी है। समाजवादी पार्टी चुल्लड़ रही है लेकिन अभी भी वोटों के अंतर से वो काफ़ी पीछे है। हालांकि कई सीटों में जैसे बात करें कि इटावा मैनपुरी की, तो वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपनी साख बरकरार रखी है। जो उसका गढ़ माना जाता है उसने अपना किला ज़रूर बचा लिया है, लेकिन तमाम जो उसने गठबंधन किए थे, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी आगे चल रही है
और जो लखनऊ की सीटें थी, अयोध्या था, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश था, वहाँ पर भाजपा की लहर थी। लेकिन अब यह साफ दिखाई दे रहा है कि एक अंडरकरंट जिसको माना जा रहा था, बल्कि वो एक अंडरकरंट नहीं बल्कि वो एक लहर थी जो भाजपा के पक्ष में चल रही थी। ये कई बार कहा जाता है कि जो वोट प्रतिशत होता है जब वो कम होता है तो इसका मतलब होता है कि सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा, और इस बार भी अगर आप पिछले चुनावों से तुलना करें तो ये माना जाएगा कि इस बार जो वोट प्रतिशत था वो कुछ परसेंट कम हुआ था। और ये बात जाहिर हो गई है कि अब जो सत्तासीन पार्टी थी भाजपा, जनता ने दोबारा उस पर अपना भरोसा जिताया है। बुलडोजर और साइकिल की लड़ाई में बुलडोजर भारी पड़ गया है और साइकिल धाराशाही हो गई।